सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश, हम लोग आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से लेके आ गए मम्मी बहुत ही जबरदस्त गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। ये बेसिकली मम्मी मैं कह सकता हूँ बब्बू मान के जो कट्टर फैंस हैं उनकी तरफ से हमारे को रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि वो कहते हैं यार आप हमारे लिए रिएक्शन नहीं करते। ऐसा नहीं है यार, आप सब हमारी फैमिली है, हमारा काम है रिएक्शन करना और हमारे सारे ही फेवरेट्स है। बट है कि हमारे लिए क्या हो जाता है कई बार हम अपना पर्सनल ओपिनियन बीच में देते हैं हम कैसा सोचते हैं और लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए। अब मैं गाने की बात करना जा रहा हूं मम्मी उस्ताद बी लाइक टू के ऊपर, जो कि गाना गाया है सुख सिद्धू ने, क्योंकि बहुत जबरदस्त गाना होने वाला है बब्बू मान जी के बारे में। और बब्बू मान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हुई हैं जिस बातों के लिए शायद हम लोगों को बात नहीं पता और बहुत सारे लोगों को वो बातें नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बात से आप बात सुनो तो वो बात पूरी नहीं होती जब तक आप उसका दूसरा पहलू ना सुन लो। तो मुझे लग रहा है कि उनके ये फैन है। सिख सिद्धू जी का मैंने कभी गाना नहीं सुना और इन्होंने बब्बू मान जी के लिए गाना गाया है। हालांकि बब्बू मान ने इसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं करा, बट उन्होंने कुछ बातें करी हैं, उनकी कुछ क्लिप्स जोड़ी हैं जो कि गाना बहुत ज्यादा चर्चा में और बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा इस पर रिएक्शन करो। तो हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरा ब्लैंक हूं। जब मैं पूरा मम्मी गाना सुनूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है उस्ताद बब्बू मान जिंदाबाद, तो वो पता चल रहा है कि ये भी बब्बू मान के कट्टर फैन है। तो बब्बू मान भी हमको बहुत पसंद है। बाकी अभी हम गाना देखते हैं तो फिर हम बताते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है सॉन्ग के ऊपर। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगी कि बब्बू मान सबसे पहला ही सिंगर था जो हमारा सबसे फेवरेट था। सच्चाई है ये जो बात मैं कहूंगी वो उस बात से मैं मुकरूंगी नहीं। भाई साहब जो थे वो पहले सिंगर थे, सबसे पहले हम मान भाई साहब के गाने सुनते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर हमें ये लगने लगा कि दो तीन सिंगर ही तो हैं जो हमारे पंजाब के हैं, और जो दो तीन सिंगर हैं दोनों तीनों सिंगरों के ऊपर हम बड़े खुश होते थे। हमें बब्बू मान भी बहुत अच्छा लगता है तो हमें सिद्धू मूसेवाला भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पंजाब के हैं तो हमारे हमारे अपने भाई हैं तो हमें क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। हमने तो इनको कभी अलग माना ही नहीं है। भाई साहब मान भाई साहब के गानों के ऊपर तो मैंने बहुत डांस करा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे वो है कि सिर्फ थोड़ा सा इतना फर्क पड़ गया है कि उसके गाने कुछ ज्यादा आने लगे हैं सिद्धू मूसे वाले के, और उनसे ज्यादा थोड़ी सी मोहब्बत इसलिए ज्यादा हो गई है कि वो दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो भी सच बोलते थे और ये भी सच बोलते हैं तो हम हर किसी के कायल है। और हम अपने पंजाब के सिंगरों को हम पीछे कभी छोड़ ही नहीं सकते। हम बब्बू मान के भी उतने ही दीवाने हैं जितने हम सिद्धू मूसे वाले के हैं। तो अब हम ये रिएक्शन देखते हैं, गाना देखते हैं, फिर हम उसका रिएक्शन बताएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर एक माँ से उसके दो बच्चों के बारे में पूछो ना कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, तो मम्मी ने जो आपको बात कही ना सेम फोर मम्मी की तरफ जाता है। मम्मी की बात आप समझना कि मम्मी का जो टाइम था ना उस टाइम पे बब्बू मान के गाने बहुत चलते थे। और फिर जब हमारा टाइम आया तो बब्बू मान के साथ साथ सिद्धू मूसे वाले एक ऐसी शख्सियत बन के दुनिया में आया जिसके गाने हम सब सुनते थे। बट अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गानों को लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या बना दिया। हम तब भी चाहते थे कि सारे साथ रहे, आज भी चाहते हैं सारे साथ रहे, और आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा दुख प्रकट करते हैं। और अभी बब्बू मान साहब के बारे में क्या बात बोली है, क्या बब्बू मान साहब ने इसमें कुछ गाया है अभी देखेंगे तो पता चलेगा। ज्यादा जब तक हमें पता नहीं चलता, जब तक हम सुनेंगे नहीं, तो पहले हम सुन लेते फिर हम अपना ओपिनियन देंगे कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में और हमारे को क्या लगता है। और बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दो चैनल है यार, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो कि हमारे ब्लॉग चैनल है, उस पर वीडियोस मंडे से रेगुलर आने लगेगी। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल डालते रहें। साथ के साथ ये चैनल है तो मेरे दोनों ही चैनल को कर देना सब्सक्राइब और दोनों को ही लाइक कर देना। साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देने से क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो मैं आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से तो देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मम्मी चले चलो जी लेट्स गो। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਦਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਪਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਜਿੰਦਾ ਪਾਦ ਆਖੇ ਹੈ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਖੇਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੇ, ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਵਿਊਕ ਤੀੜਾਂ ਦੇ, ਜੱਟ ਦੇ
ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ ਝੱਟ ਕਮਾਦ ਤਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂ ਹਵਾਏ ਨਾ ਸਿੰਘ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿੰਗ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਏ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਬਲਾ ਖੰਡ ਕੋਈ ਜੇਲ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਹੂ ਜਿਹਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਓਏ ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨੀ ਥੁੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਡੂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਕੀ ਤਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਿਆ ਗੱਭਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਓਨਾ ਸਖਤਿਆ ਪਾਏ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੰਟਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਰ ਡਕਟਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਚ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਲਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਦੀ ਡੰਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਤੇ ਪੈਰੀ ਲੇਟੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਚੈਨਲ ਯੱਕੜ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਅਰਜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਜਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਗੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਯਾਰ ਗਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਨਿਕਾਲਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਬਟ ਚਾਹਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੋ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਜੱਜ ਕਰਨੇ ਲਗੇਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਮੇਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੀ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੇ ਹੋ ਉਨਕੋ ਬਸ ਬਾਤੇਂ ਬਨਾਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੋ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਤਾਊਂ ਇਨਸਾਨ ਕਭੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਬੁਰੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬੁਰੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਕਭੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੁਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਥੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅੜਪ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅੜਪ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੜਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਰੋਏਗਾ ਜਬ ਵੋ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਵੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਮੈਂ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਾ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਛ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੇ ਜੋ ਕੱਟਰ ਫੈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੇ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਵਨ ਸਾਈਡਿਡ ਗੈਪ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅਬ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਮੰਮੀ ਲੈਫਟ ਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਟ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕੋ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕੇ ਤੁਮ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾ ਦੇਤੇ ਹੋ ਔਰ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾ ਦੇਤੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਇਕਾਟ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਮੇਂ
बहुत सारे मिक्स रिवर्ट है। जिंदों के मुर्दे जलाते हो, जिंदों के तुम मुर्दाबाद कहते हो और मरे को तुम जिंदाबाद कहते हो, तो गलत बात है ये। वाकई मैं सारी बात बता रही हूँ कि बहुत गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले तो वाकई में पहले तो मान भाई साहब ही आए हैं, और मान भाई साहब आया, मान भाई साहब ने कहा है कि भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए, खेत किसानों के लिए भी मैंने रैलियां करी हैं और 84 के दंगे भी देखे हैं। वो कहते हैं कि तुम 84 के दंगों की बातें लिखते हो, वो मैंने खुद देखी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि एक होता है कि हमने इतिहास पढ़ा है, एक है कि हमने इतिहास भोगा है, सच्चाई तो उसमें और उसमें बहुत फर्क होता है, सच्चाई है। क्योंकि जिस इंसान ने जो भोगा हो ना, वो कहते ना कि देखते बहुत करीबी से चीजें देखी होती है, करते रो पड़ता आदमी, रोता भी वही है जिसने वो चीजें देखी हूँ। जिसने नहीं देखी उसके लिए तो रोना बेकार है, उसके लिए तो ये कि नाटक कर रहा है। कि जिसके लिए जो उसने भुगता है, उसके शरीर के साथ हुआ है, तो उसको मालूम है कि उसने क्या करा है और उस टाइम क्या था, कितना डर था, कितना भय था। और वाकई में 84 के दंगे में इन्होंने देखा है। और एक बंदा है जो इतिहास लिख रहा है, बस इतिहास लिखने में और उसको इंजॉय करने में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क होता है। मैं यही बात कहूंगी कि वाकई में बब्बू मान भाई साहब ने ये चीजें देखी हैं। और मम्मी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद मुझे लगता है इस वीडियो में भी हमें कहने लगेंगे कि यार आप तो बब्बू मान जी की तारीफ करो। देखो हकीकत में मतलब क्या होता है कि जिस बंदे की जिस बात पे तारीफ है ना, वो करनी चाहिए और वो ही हमारा काम है और आपका काम है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देने का। देखें सिद्धू भाई हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, और मम्मी जब सिद्धू मूसे वाले जी इस दुनिया में नहीं रहे ना, तो बब्बू मान जी ही थे जिनके साथ लोग कॉन्ट्रोवर्सी में उनका नाम जोड़ते थे। उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी को बिल्कुल हटा के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी और उसके बारे में लिखा था, और एक स्टेज शो पे भी कहा था कि सिद्धू मेरा भरा, मेरा भाई। तो ये एक इंसान की ना छवि जताती है। बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने आज तक सिद्धू मूसे वाले के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं डाला, तो हमें उन लोगों को बॉयकट करना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो कि उनको सपोर्ट करते थे। और सिद्धू मूसे वाले ने अपने गाने में बब्बू मान जी का जब जिक्र करा था तो गाली नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि उनकी क्या फीलिंग है कि जब ये काम हुआ तो उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो वन साइडेड था। और मैं हकीकत में जानता हूँ कि अगर बब्बू मान और सिद्धू मूसे वाले कभी सामने मिलते तो इनमें प्यार बहुत रहता, क्योंकि दोनों का मोटिव एक था, दोनों का मोटिव एक है। और मैं यही कहूंगा कि आप सब ना प्यार फैलाओ, ना कि हेट फैलाओ। मुझे इनकी साइड से भी सोचने में मैं बहुत मजबूर हो गया, क्योंकि हम एक साइड ही सोचते हैं इनके साथ जो जो हो रहा है उसके बारे में, तो ये बंदा कभी बात ही नहीं करता। सेम फॉर सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाला भी बहुत स्ट्रांग और बहुत अलग पर्सनैलिटी है जिसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं है। ऐसे ही बब्बू मान सेम चीज़ और एक अलग पर्सनैलिटी है जिसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं है। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा कि हर पक्ष की बात सुननी चाहिए। मैं भी यही बात कहूंगी कि बब्बू मान अपने आप में सही थे और मूसे वाले अपने आप सही थे, और ये बीच में हम लोग जो एक दूसरे को भिड़वाते हैं तो ये बात तो बेकार वाली बेकार बात है। इसका कोई अब तो वो रह भी नहीं गया, अब तो मूसे वाला रह भी नहीं गया, जो हम सिर्फ उसको उसकी यादें हमारे दिल में रह गई हैं। तो आई होप, मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगी कि जो सिद्धू मूसे वाले के जो फैन है वो भी मान भाई साहब को प्यार करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्यों कि वो ही हमारे दो सिंगर थे जो हम देखते थे कि चढ़ती कलाओं पे है और भगवान उनको चढ़ती कलाओं पे रखे हैं। तो हम लोग ना तो हम मूसे वाले को गलत कहेंगे और ना ही हम बब्बू मान भाई साहब को कहेंगे। और बब्बू मान जी के भी जितने फैन है वो भी मूसे वाले को ट्रिब्यूट करा करें, उनसे प्यार करा करें, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो उसके साथ कोई रेस नहीं है, क्योंकि उसकी रेस एक अलग दुनिया में चल रही है। तो मेरे को तो बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया लगा ये गाना, और आई होप आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि मूसे वाले को तो हम दिल से प्यार करते हैं, सच्चाई है, और जिंदगी भर हम उसको प्यार करेंगे, जब तक हम जिएंगे प्यार करते रहेंगे। इसी तरह से भी बब्बू मान भाई साहब को भी हम जिंदगी भर प्यार करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि भगवान उनकी लंबी उम्र हो, कि हम एक धोखा खाया हम और धोखे नहीं खाना चाहते, तो भगवान हमारे को, हम ये कहेंगे कि इनको लंबी उम्र दे। और बस भगवान से आप लोग भी यही दुआ करो तो हमें अच्छा लगेगा। तो यार आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन, हमारा ओपिनियन आपको 1% भी समझ आए, आपको लगता है कि आप हमारे साथ सहमत हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को, प्लीज दोनों ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ही आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखिए हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।